नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला के पिंडारूच गांव में प्रदीप चौधरी के द्वारा इस क्षेत्र के महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र के महिलाओं के जीवन के लिए, खासकर बता दें कि बेहतरीन जो अवसर दिया गया प्रदीप चौधरी के द्वारा, इसमें महिलाएं खासकर काफ़ी खुश दिखी। आज सर्टिफिकेट मिलने के बाद भारत सरकार के हस्तकला विकास आयुक्त कार्यालय मधुबनी द्वारा अनादि उद्यम विकास संस्थान के परिसर में बुधवार को, यानी कि बता दें कि आज के दिन यहाँ पर हस्तशिल्प जागरूकता कार्यक्रम के तहत चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरभंगा के LDM श्री अजय कुमार सिन्हा रहे हैं। चौपाल को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक हस्तशिल्प BK झा ने विस्तार से वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं तथा शिल्पकारों को पहचान, प्रशिक्षण, उत्पाद, वित्त और विपणन से संबंधित योजनाओं की जानकारी दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दरभंगा के LDM श्री सिन्हा ने मुद्रा ऋण से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी है। अनादि फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कांत चौधरी ने प्रशिक्षण के बाद शिल्पियों को संगठित कर प्रोड्यूसर कंपनी स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस सभा में IT मद्रास के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर श्री चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता ललित कुमार चौधरी, पूर्व सरपंच मिथिलेश कुमार झा, आदित्य कुमार झा सहित पिंडारूच के कई गणमान्य व्यक्ति ने अपने वक्तव्य दिए हैं। मंच संचालन मधुबनी के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुबोध कुमार झा ने किया है। कार्यक्रम के दौरान समर्थ प्रशिक्षण योजना के पूर्ववर्ती प्रतिभागियों को आर्टिजन कार्ड एवं प्रमाण पत्र वितरित किया गया है। इन महिलाओं के चेहरे पर साफ साफ खुशी देख सकते हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक शेयर करें। महत्वपूर्ण बात बता दें कि बहुत बड़ा योजना चलाया जा रहा है प्रदीप कांत चौधरी के द्वारा। आए हैं, क्या कहना चाहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं कलाकार बन रही हैं, चाहे महिलाएं जो हस्तशिल्प में आगे बढ़ रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? चौपाल, ये भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त के द्वारा ये अवेयरनेस कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से महिलाओं, पुरुषों, जितने भी शिल्पी हैं उनको रोजगार से जोड़ने का ये कोशिश है। जिससे कि हमारे जो शिल्पी, जिनकी जो समस्याएं हैं, जैसे उनकी पहचान की समस्या है, पूंजी की समस्या है, प्रशिक्षण की समस्या है, विपणन की समस्या है, तो उनसे कैसे जोड़ा जाए, वो ये चौपाल यह एक माध्यम है कि उन सारी जानकारियों को उनके साथ शेयर करना और जो विभाग की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उससे लाभान्वित करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। सर, आपका मधुबनी ऑफिस है सर, इस क्षेत्र में कितने जगह पर ये काम चल रहा है, समर्थ योजना के तहत प्रशिक्षण वगैरह कितने जगह चल रहा है? वैसे तो मधुबनी के हस्तशिल्प सेवा केंद्र मधुबनी के अंतर्गत 17 जिला आते हैं, तो सैंक्शन के अनुसार अभी तक 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम चल चुके हैं समर्थ में, और दूसरे प्रोग्राम कंटिन्यू चलते रहते हैं। 2 महीने से 6 महीने के दरमियान का वो ट्रेनिंग अवधि होता है, जो कंटिन्यू चलते रहते जरूरत अनुसार। जैसे यहाँ पर भी पिंडारूच में भी यह दूसरा बैच आज कंप्लीट हो गया, अब फिर आगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इन लोगों का प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म होगा, तो जैसे जैसे जरूरत अनुसार जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं। किन तरह की बातें इन सभी लोगों को आपने समझाया आज, कि लोग कैसे मार्केटिंग बेनिफिट्स ले सकते हैं, लोग अपना सामान कैसे बेच सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था क्या है, कैसे उसको अवेल कर सकते हैं, लोगों को मुद्रा योजना के तहत कैसे जुड़ना है, क्या बेनिफिट सरकार उसको देगी, क्या क्या पात्रताएं उसमें हैं, ये सारी जानकारी उन लोगों के साथ शेयर किया गया। जेम पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, GST का कैसे मेंटेन करना है, ये सारी सुविधाएं इन लोगों को बताई गई हैं। कि कैसे, मेन उद्देश्य था कि लोग जो शिल्पी हैं वो अपने आप को रोजगार के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं और उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो सके। सर, एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है सर, अभी जो लोग बेरोजगार हैं, गांव घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश, एक आपके वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्या संदेश आप देना चाहते हैं, यहाँ निदेशक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों के समग्र विकास के लिए जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं, उनके जरूरत अनुसार योजनाएं बनाई गई है, उसके तहत उनको लाभान्वित किया जाता है। जिसकी जो समस्याएं, जिसकी ट्रेनिंग की समस्या है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। जिनको टूल किट्स नहीं है, औजार नहीं है उनके पास, उनको टूल किट्स मुहैया कराए जाते हैं। जिनके पास सब कुछ है, उसको मार्केटिंग की परेशानी, उनको मार्केटिंग सुविधा दी जाती है।
जिनके पास पूंजी नहीं है उसके लिए मुद्रा लोन दिए जाते हैं, जिनके पास वर्कशीट नहीं है काम करने के लिए उनको वर्कशीट दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाते हैं, रॉ मटेरियल की समस्या है तो रॉ मटेरियल दी जाती है। कहने का आशय ये है कि उनके ज़रूरत के अनुसार, जो शिल्पी की जो ज़रूरत है आगे बढ़ने में, उनकी ज़रूरत के अनुसार से उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। क्या नाम आपका? विभूति कुमार झा, सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केंद्र मधुबनी। अजय कुमार सिन्हा जी, सर किस तरह की मदद मिल सकता है खासकर इन महिलाओं को, अगर बात करें अगर आगे बढ़ने की, जिस तरह से यहाँ पर हस्तशिल्प सीख रही हैं उसके बाद क्या आपने बताया इनसे? महिलाओं के लिए तो कई योजनाएं हैं, जैसा कि तो हम लोग हस्तशिल्प में आए हैं, हस्त में जिनकी योजनाएं हैं उसमें जिनको जरूरत पड़ेगा वो बैंक से लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना अंतर्गत 50,000 तक का शिशु लोन है, छोटे स्तर पर करेंगे तो 50,000 ले लेंगे, उससे बहुत बड़ा होगा तो किशोर है मुद्रा योजना अंतर्गत जिसमें 50,000 से ऊपर 5,00,000 तक दिया जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा होगा तो तरुण योजनाएं हैं जिसमें 5,00,000 से ऊपर 10,00,000 तक दिया जाता है, और उसके आगे भी जाएंगे तो 1,00,00,000 तक का हम लोग का प्रावधान है बिना सिक्योरिटी का 1,00,00,000 तक का लोन, कोई अगर इंडस्ट्री वगैरह लगा दिए बहुत बड़ा हो गया तो उनको दिया जा सकता है। और अभी तो जैसे कई योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री का भी युवा योजना का 10,00,000 में 5,00,000 सब्सिडी है, उससे भी बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसमें 10,00,000 में 5,00,000 छूट है, 5,00,000 अपना लौटा देना है 84 इंस्टॉलमेंट में। तो बैंक की कई योजनाएं हैं, जैसे हम लोग अभी हस्तशिल्प में आए तो हस्तशिल्प की योजनाएं हैं, इसके अलावा भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे हैं, मधुमक्खी पालन है, बकरी पालन है, फिर आपका जीविका से महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, महिलाओं को जीविका से भी जोड़ के हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके लोन प्रदान करते हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे फायदा महिलाओं को किया जाता है। आम लोगों को सभी लोग व्यवसाय करना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए मुद्रा योजना है, न सिर्फ महिलाओं के लिए है, सभी लोगों के लिए, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसके लिए है, कोई किराना दुकान खोलना चाहे उसके लिए है, कोई खेती से संबंधित हो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, और जैसे कोई PMEGP में योजना में कोई उद्योग लगाना चाहें तो 25,00,000 तक का उसे भी लोन प्रदान किया जाता है, गांव में 35% सब्सिडी है, तो इस तरह कई योजनाएं हैं जिनमें युवा और बिजनेसमैन जितना भी लोग हैं उनको लाभान्वित किया जा सकता है, और दिया भी जा रहा है प्रत्येक वर्ष जो हम लोग का एक ACP टारगेट दिया जाता है एनुअल क्रेडिट प्लान का, उसका हर साल हम लोग करीब करीब 100% चले जाते हैं, जैसे इस बार भी PMEGP में 100 लोगों को देना था, हम लोग 127 लोगों को लोन दे दिए, तो जो भी है हर साल मतलब अच्छा से लोन का वितरण भी किया जा रहा है, जो इच्छुक है वो बैंक से संपर्क करते हैं, बैंक उनको प्रदान करता है। खुश हैं, क्या कहना चाहती हैं? सर्टिफिकेट मिला है, आर्टिजन कार्ड मिला है, वाकई बात है कि मैं खुशी रहूँगी, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ बहुत कुछ नया नया सीखने को मिला, हैंड ब्लॉक पेंटिंग जो हमारे इधर किसी को नहीं पता था कि है क्या आके, और यहाँ आने के बाद बहुत हद तक पता चला है, इससे पहले हम लोग मिथिला पेंटिंग तक के बारे में जानते थे लेकिन यहाँ आने के बाद ब्लॉक पेंटिंग के बारे में जाने, बहुत अच्छा लगा। ये बताएं इससे पहले कैसे पता चला कि यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर इस तरह का कार्यक्रम है? हमारे गांव में किसी को इन्फॉर्म किए यही सर प्रदीप सर की, तो वहाँ से पता चला तो आए, और पहली बार में जो परिवार के लोग हैं वो मतलब बोले कि जाइए या फिर कोई ऐसा आर्ट है ना, आर्ट के लिए सब राजी हो जाते हैं। अब अभी क्या लग रहा है कि जो आपने सीखा है वो आगे काम आएगा या फिर काम आएगा? बहुत अच्छे से काम आएगा। 50 दिन ट्रेनिंग की है, 50 दिन कितना पैसा कमा लिया? लगभग 16,000। सीख भी गए, खुश हैं? कहाँ पर सीखने के लिए आ रहे थे? यही पिंडारू से। गाँव आपका नाम क्या हुआ? गांव का नाम? यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ था? आज ये कार्यक्रम मूल रूप से हस्तकला जागरूकता अभियान के रूप में मनाया गया था, ये कार्यक्रम मधुबनी में जो हमारा हस्तकला कार्यालय है उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जो कि अनादि फाउंडेशन के सहयोग से इस जगह में किया गया, लेकिन ये मूल रूप से ये जो कार्यक्रम है ये वस्त्र मंत्रालय का कार्यक्रम था, हस्तकला विभाग। इस कार्यक्रम में दो और काम हुए, एक तो जागरूकता के लिए सूचनाएं दी गई कि कैसे कारीगर इसमें और काम कर सकते हैं, दूसरी बात ये कि जो पहले बैच में लोगों ने समर्थ कार्यक्रम किया था उनको आर्टिजन कार्ड और उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये कार्ड जो है वो क्या है मतलब? आर्टिजन कार्ड एक खास तरह का जैसे किसानों के लिए कार्ड होता है, उसी तरह से आर्टिजन जो शिल्पकार होते हैं उनके लिए भारत सरकार की योजना है कि उनको ये कार्ड दें और इस कार्ड के माध्यम से उन्हें ऋण और बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद और क्या क्या करते हैं? हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो सिर्फ ट्रेनिंग देना मकसद नहीं है, उनका एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनका एक समूह ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो आगे व्यापार कर सके, और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग एक प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना के प्रयास में लगे हुए हैं। ये प्रोड्यूसर कंपनी जैसे ही बनेगी उसके बाद हम लोग फिर उत्पादन और मार्केटिंग विपणन दोनों चीजों के लिए हम लोग एक संगठित प्रयास करेंगे। जिसमें कौन कौन आया था?
आज के कार्यक्रम में एडी हैंडीक्राफ्ट्स बीके झाजी आए हुए थे और उनके साथ जो सेंट्रल बैंक के लीड ऑफिसर हैं और सिन्हा जी वो आए हुए हैं, और इसके अलावा प्रोफेसर श्रीश चौधरी थे, हमारे गांव के कुछ गणमान्य व्यक्ति, पहले सरपंच रह चुके मिथिलेश जी, हमारे बुजुर्ग ललित कुमार चौधरी, ये सब लोग आए। तो आज जिनको सर्टिफिकेट दिया गया है, ये कितने महीने का मतलब यहाँ पर कोर्स या फिर ये कोर्स भारत सरकार का एक बना हुआ फॉर्मेट है, 50 डेज 300 आवर्स का ये कोर्स होता है। उस कोर्स के समाप्ति के बाद कुछ समय लगता है सर्टिफिकेट बन के आने में, तो ये पिछला बैच जो हुआ था समर्थ का यहाँ, उनको सर्टिफिकेट आज दिया गया। आज भी एक बैच का ट्रेनिंग खत्म हुआ है जो हमारा दूसरा बैच था, अब इसका सर्टिफिकेट फिर इसके बाद आएगा बाद में। आपका जो मोटिव है, अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब एक ट्रैक पर जा रहा है, या फिर मतलब आपको बहुत अच्छा लग रहा है? देखिए, यदि अधिकारी सहयोग करें तो काम करने का एक अलग ही ये होता है, कॉन्फिडेंस आता है, और मैं इसके लिए हस्तकला कार्यालय एडी हैंडीक्राफ्ट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो हम लोग को उत्साहवर्धन कर रहे हैं, और इस तरह से सरकार और समाज यदि साथ मिल करके चले तभी प्रगति संभव है। क्या नाम है पूरा आपका? प्रदीप कांत चौधरी। आप कौन है यहाँ पर? मैं इस ये जो अनादि फाउंडेशन है उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ, हम लोगों ने स्थापना की है, और मैं इसके लिए फुल पूरे समय काम करता हूँ। कितनी खुश हैं आज यहाँ पर सर्टिफिकेट मिल गया? किस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट दिया गया आपको? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए सर्टिफिकेट दी गई है, और आर्टिजन कार्ड भी। मैं बहुत खुश हूँ ये लेकर के, और हम लोगों को फ्री में सिखाया भी गया था, अभी भी हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इससे पहले क्या करती थी, घर में बैठकर मतलब या घर में? मैं 5 ईयर वर्क कर चुकी हूँ एनजीओ में। अच्छा। जिसमें 4 साल हेल्थ में और 1 साल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये जो आपने ट्रेनिंग लिया है, लग रहा है कहीं से कोई टेंशन का वर्क है या फिर ऐसा कोई कहीं पर? टेंशन नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि जीवन इससे चेंज हो सकता है आपका? बिल्कुल चेंज हो सकता है। क्या क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत कुछ है सर, जैसे कि मैं पहले दूसरे पे डिपेंडेंट थी, जॉब ढूंढती थी, जॉब करती थी, और यहाँ है जो अपने खुद का जो बिजनेस है वो भी कर सकती हूँ, और जब मन होगा तब करूँगी, नहीं मन है तो छुट्टी भी कर सकती हूँ किसी पे। कितने महीने का ट्रेनिंग आपने किया है? 2 महीने 50 दिन का। कितना पैसा कमा लिया आपने? 16,500 पूरे 50 दिन में। और 50 दिन आपने ट्रेनिंग भी लिया है? जी। 50 दिन में आप क्या क्या सीख गए हैं? 50 दिन में कपड़ा लगाना, कलर बनाना, छपाई करना, और कलर कम्युनिकेशन जो है सारा कुछ। धन्यवाद किसको बोलेंगे? प्रदीप कांत सर। क्या नाम हुआ आपका? नीता मिश्रा। कहाँ से आई थी? आपने अपने भाषण में जो संबोधन किया कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कह रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग या फिर ये जो हस्तशिल्प है वो एक एक गांव के लिए या एक जिला के लिए या एक प्रखंड के लिए सीमित है, तो क्या कहाँ से बातें निकल कर आई? देखिए, मुझे कई बार फेसबुक पर और इसे कान में बात पड़ती है, दो बातें सुनाई देती हैं, और हमको ऐसा लगता है कि उसका निराकरण होना चाहिए। एक तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो मधुबनी से बाहर यदि किया जाता है तो गैर कानूनी है, ये गलत बात है। मधुबनी पेंटिंग का जो GI टैग है वो पूरे बिहार को मिला है, सिर्फ मधुबनी को नहीं मिला है, एक बात। दूसरी बात कि हम लोग कुछ लोगों को ये मन में आशंका है कि यदि ब्लॉक प्रिंटिंग बढ़ेगा तो हाथ से जो काम होता है मधुबनी पेंटिंग का वो प्रभावित होगा, ये गलत बात है। देखिए, हर विधा की अपनी अपनी खूबी होती है, और हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जिस तरह की सिल्क साड़ी हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस तरह की सिल्क साड़ी हाथ से नहीं बनाई जा सकती है, वो प्रिंट से ही बन सकता है। तो प्रिंटिंग का लाइन अलग है, हम लोग एक आयाम जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे। इसीलिए हम समझते हैं कि किसी को भी मन में ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ब्लॉक प्रिंटिंग से किसी भी तरह से मिथिला पेंटिंग प्रभावित होगा, ये बात गलत है। इसका खंडन भाषण में कहा कि बहुत सारे से लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, खासकर यहाँ से मिथिला, आप जो काम कर रहे हैं, तो किन बातों का आपने जिक्र किया था अपने भाषण में लोगों को, जो आपने बताया खासकर, चाहे फिर वो बढ़ाई हो या फिर कुम्हार हो? हम लोग चाहते हैं, मेरे मन में एक संकल्पना है कि अभी तक बिहार में शिल्प ग्राम जैसी कोई चीज़ कहीं बनी नहीं है, तो यदि सरकार और समाज मिल करके चले तो हम लोग इसको सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं, मल्टी क्राफ्ट विलेज बनाएं। ये नहीं कि सब लोग कारीगर ही बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा विकास हो कि मिट्टी के काम करने वाले और लोहे के काम करने वाले और लकड़ी के काम करने वाले और कपड़ों पर काम करने वाले सब तरह की जो क्राफ्ट्स हैं उनको लेकर के एक एक दो दो यूनिट बने। कोई मेरे ही गांव में नहीं, सिर्फ आसपास के गांव में ये जो इलाका है
वो शिल्प ग्राम के रूप में विकसित हो। सकल देश में दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियाला। एडीएम साहब, क्योंकि हम बैंक में 23 वर्ष के बाद कहना तो 2000 में हमारा बहुत ही हम जिस समय में रही तो एकदम नेशनलाइज बैंक के दिक्कत रहे, ग्रामीण रहे, कोठिया में पीएनबी के प्रयास स्थापित करें।